जम्मू कश्मीर में 10 सालों के बाद हो रहे विधानसभा चुनाव काफी महत्वपूर्ण। ये चुनाव जम्मू कश्मीर के भविष्य को तय करेंगे। भारतीय जनता पार्टी सरकार के 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का जो संकल्प लिया है उसमें भी जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव काफी मायने रखते हैं। ये बात भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर प्रदेश चुनाव प्रभारी राम माधव ने मीरा साहब क्षेत्र में आर एस पुरा जम्मू साउथ विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर नरेंद्र सिंह के समर्थन में चुनाव प्रचार के तहत आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 तथा 35A हटाने के बाद जम्मू कश्मीर में जो विकास कार्यों में तेजी आई है वह अपने आप में ऐतिहासिक है और ऐसे में अगर जम्मू कश्मीर में भाजपा की सरकार आती है तो जम्मू कश्मीर में विकास कार्य तेजी के साथ होंगे और लोगों को सभी हक भाजपा सरकार की तरफ से पूरे अधिकार दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनेगी और जम्मू संभाग के साथ साथ कश्मीर में भी कमल खिलेगा। इस दौरान कांग्रेस पार्टी के जिला कार्यकारिणी प्रभाव एवं पूर्व सरपंच बद्रीनाथ शर्मा अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए, जिनका भाजपा के नेताओं द्वारा स्वागत किया गया। इस अवसर पर भाजपा के कार्यकारिणी प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा, जिला अध्यक्ष रेखा महाजन, पूर्व डिप्टी मेयर पूर्णिमा शर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष फकीर चंद, भाजपा के जिला अध्यक्ष रेखा महाजन, जिला प्रभारी अयोध्या गुप्ता, जिला महामंत्री आकाश चोपड़ा तथा पूर्व बीडीसी अध्यक्ष दिलीप कुमार सहित काफी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद हैं। एक सेक्रेटरी है, नेशनल सेक्रेटरी है, बाकी देश में क्योंकि पंजाब से दो लोगों को दिया गया है, पर हालांकि वो पंजाब के नहीं है, वो जम्मू कश्मीर के है, आपके यहाँ के है, आर एस पुरा के है, आपके बीच के है, वो भी पूज्य विस्थापित है। और नरेंद्र सिंह जी को उम्मीदवार बनाते समय हमारे मन में और एक भी बहुत महत्वपूर्ण ख्याल रहा है कि जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य है जहां 12-13 लाख सिख भाई का आबादी है इस राज्य में, और जिस समाज के प्रति हर एक राजनीतिक दल उपेक्षा ही करता रहा है, तो हमने सोचा कि आरएसपुरा से एक ऐसा उम्मीदवार हो जो इस राज्य का एक बहुत बड़ा तबका जो सिख समाज है उसका प्रतिनिधित्व भी करता हो और यहाँ के विस्थापित समाज का भी प्रतिनिधित्व करता हो और साथ ही साथ पार्टी का एक समर्पित कार्यकर्ता हो। ये तीनों गुण जिनमें सम्मिलित थे ऐसे नरेंद्र जी को आपके सामने उम्मीदवार के रूप में हमने उतारा है। विधानसभा से सेवा करने का मौका मिलती हो, मैं अपनी विधानसभा को एक विभुल विधानसभा बनाऊंगा। मैं देखता हूं कि आज सुबह की तरफ यहां हर ब्लॉक में एक एनिमल हस्बेंड्री की जरूरत है, गांव के लोग गांव में ही रहे वहां अच्छे स्कूल मॉडल स्कूल की जरूरत लग रही है। इस एरिया में लोग बड़े डर की तरफ जा रहे हैं, नशे में कई बच्चों की मौत हो रही है। मुझे लगता है कि उसके लिए अवसर लोगों को बनाएंगे देश भर में और प्रदेश में, पर अच्छे हर ब्लॉक में खेल कूद के मैदान बने जिससे गांव के बच्चे शहरों के बच्चे खेल कूद की तरफ ज्यादा जाए। मेरा प्रयास रहेगा कि हर एरिया में स्कूल में चाहे ब्लॉक में हम प्ले ग्राउंड बनाए, इंडोर स्टेडियम बनाए। मुझे लगता है कि आरसपुरा एक अच्छा टूरिस्ट स्पॉट बन सकता है। हमारी सरकार के द्वारा आरसपुरा बॉर्डर में प्रेड शुरू हुई थी।
तो मैं अपने सब साथियों को आरसपुरा समाज जो हमारा आरसपुरा जम्मू सोच है, मैं तमाम कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है उनको भी अपील करता हूँ कि भाई जो हमारी बात कांग्रेस पार्टी ने नहीं मानी वो भारतीय जनता पार्टी ने मानी, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जैसे मैं आज पार्टी छोड़ के आया हूँ ऐसे आप एक एक करके आपका वेलकम करेंगे पार्टी के अंदर। आप कृपा करके डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी को भाई बहुमत से जम्मू के साथ जम्मू सोच रखता है ताकि हमारे बच्चों का भविष्य, हमारी जमीनों का, हमारे अलग अलग इशू है बच्चों के, ताकि वो हमारी आवाज बढ़ गए। गाँव के लोग गाँव में ही रहे, वहाँ अच्छे स्कूल मॉडल स्कूल की जरूरत लग रही है, इस एरिया में लोग बड़े डर की तरफ जा रहे हैं, नशे में कई बच्चों की मौतें हो रही है। मुझे लगता है कि उसके लिए हम सब लोगों को बनाएंगे देश भर में और प्रदेश में, पर अच्छे हर ब्लॉक में खेल कूद के मैदान बने जिससे गांव के बच्चे शहरों के बच्चे खेल कूद की तरफ ज्यादा जाए।